जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल टॉक में। अगर आप भी चाहते हो आपका जीवन भी हो खुशहाल, तो सच्ची आत्मा से हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। हथेली पर बनी तीन रेखाएं होती हैं खास, जो बदल देती हैं व्यक्ति का जीवन। हस्तरेखा शास्त्र बहुत ही प्राचीन शास्त्र है। बहुत पहले से ही हाथों की रेखाओं को देखकर मनुष्य के जीवन के बारे में पता लगाया जाता है। हस्तरेखा विशेषज्ञों को रेखाओं का भली भांति ज्ञान होता है, जिससे वे किसी भी व्यक्ति की हाथों की रेखाओं के बारे में देखकर उसके भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ज्योतिष के अनुसार मेहनत के साथ प्रत्येक व्यक्ति के हाथों की रेखाएं भी उसका भविष्य तय करती हैं, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए भाग्य का अच्छा होना भी आवश्यक है। हथेली में मौजूद हर रेखा महत्व रखती है, लेकिन तीन रेखाओं को सबसे ज्यादा मुख्य माना गया है। जानते हैं कि कौन सी रेखाएं हथेली में सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। भाग्य रेखा, जातक की हथेली में यह रेखा ही तय करती है कि उसका आने वाला जीवन कैसा होगा। किसी भी व्यक्ति की भाग्य रेखा पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का भाग्य उसका कितना साथ देगा, जीवन में व्यक्ति को कितनी सफलता या असफलता मिलेगी। हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा बिना टूटे गहरी और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। ऐसे जातक कम समय और कम परिश्रम में ही सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों की भाग्य रेखा सही और स्पष्ट नहीं होती है, उन्हें सफलता पाने के लिए जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। जीवन रेखा तर्जनी उंगली के पास शुक्र पर्वत के ठीक नीचे से आरंभ होने के बाद जो रेखा मणिबंध की ओर जाती है, वह जीवन रेखा होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी व्यक्ति की जीवन रेखा अगर टूटी फूटी और छोटी होती है तो यह उसकी कम उम्र को दर्शाती है, वहीं लंबी जीवन रेखा लंबी उम्र को दर्शाती है। लेकिन कोई अन्य रेखा जब इसके समानांतर रूप से चलती है तो इसके अशुभ प्रभाव को दूर कर देती है। मस्तिष्क रेखा, यह रेखा जीवन रेखा से मिलकर ही आरंभ होती है। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान को दर्शाती है। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जरा से भी अंतर से प्रारंभ होती हैं, उनके विचार बहुत स्वतंत्र होते हैं। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में ज्यादा दूरी होती है, वे लोग बिना सोच विचार के कोई भी कार्य कर जाते हैं। हाथों में बनी हुई आढ़ी तिरछी रेखाएं हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं और आने वाले भविष्य से बहुत गहरा संबंध रखती हैं। हाथों की रेखाएं समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके कारण हथेली में कई तरह के चिन्हों का निर्माण होता है। ये चिन्ह हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में इसी तरह के कुछ चिन्हों के बारे में बताया गया है। ये चिन्ह बहुत ही कम लोगों के हाथों में बनते हैं। जिन लोगों के हाथों में इन चिन्हों का निर्माण होता है, उन पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। ऐसे लोगों के पास किसी तरह का कोई अभाव नहीं होता है और इन्हें अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है। जानते हैं हथेली पर बनने वाले खास निशानों के बारे में। किसी व्यक्ति की हथेली में स्वास्तिक का चिन्ह बनना उसके लिए सौभाग्य लेकर आता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ में ये निशान बनता है। स्वास्तिक के चिन्ह वाले लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, जिसके कारण इन्हें धन की कोई कमी नहीं रहती है। त्रिशूल को भगवान शिव का चिन्ह माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में त्रिशूल का निशान बनता है, ऐसे लोगों पर शिव जी की कृपा रहती है। जिस रेखा के ऊपर यह चिन्ह बनता है, वह रेखा शुभ प्रभाव देने लगती है। अगर त्रिशूल का चिन्ह मंगल पर्वत पर बने तो यह बहुत ही शुभ रहता है। इससे शिव योग बनता है, जिससे जातक को किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती है। हथेली में कमल का निशान बनना बहुत शुभ फलदायी होता है। ऐसे लोगों पर विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी रहती है, इनका भाग्य सदैव साथ देता है। ये लोग वाक्पटुता में कुशल होते हैं, इनकी नेतृत्व क्षमता भी कमाल की होती है। हथेली में मंदिर के चिन्ह बनना इस बात की ओर संकेत करता है कि जातक को अपने जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसे जातक धर्म और आध्यात्म की ओर ज्यादा रुचि दिखाते हैं, जिसके कारण ये लोग सन्यासी जीवन की ओर भी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जिन जातकों की हथेली में खड्ग का चिन्ह बनता है, वे स्वभाव से बहुत निर्भीक होते हैं, क्योंकि खड्ग को
देवी देवताओं का अस्त्र माना गया है। इन लोगों पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। ये अपने बल पर किसी भी मुसीबत का सामना कर लेते हैं और सफलता हासिल करके लोगों के समक्ष उदाहरण पेश करते हैं। ऐसी रेखाओं और चिन्ह वाली महिलाएं होती हैं बहुत भाग्यशाली। महिलाओं के हाथों में ऐसे निशान और रेखाएं बनाती हैं उन्हें भाग्यशाली। हस्तरेखा शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिससे किसी व्यक्ति के हाथों पर बने निशान और लकीरों के जरिए उसके भविष्य के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की जा सकती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आप किसी लड़की के भविष्य के बारे में बड़ी आसानी से जान सकते हैं। दरअसल महिलाओं की हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं और निशान होते हैं जिनके पता लगाया जा सकता है कि वह महिला कितनी भाग्यशाली रहेगी। मणिबंध पर ऐसी रेखाएं बनाती हैं भाग्यशाली। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी कन्या के हाथ में मणिबंध पर 3 रेखाएं पूरी हो, यानी कि बीच में से कटी या टूटी हुई न हो, तो ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। साथ ही ऐसी स्त्रियां अपने हाथ में अधिकतर रत्न या कोई ना कोई आभूषण धारण किए ही रहती हैं। ऐसी रेखा वाली लड़कियों का मिलता धनी पति। यदि किसी स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उत्पन्न होकर गुरु पर्वत तक जा रही हो, तो ऐसी कन्या को धनी पुरुष पद, यश आदि के लाभ मिलते हैं। ऐसी कन्या होती है सौभाग्यवती। यदि किसी महिला के हथेली के ऊपर की रेखाएं लालिमा लिए हुए रंग की हों, तो हाथ का पंजा और अंगूठा छोटा हो और हाथ पर कम ही रेखाएं हों और वे भी हथेली के मध्य भाग में स्पष्ट हों, तो ऐसे लक्षण वाली स्त्री सुखी, धनी और सौभाग्यवती होती है। हथेली पर चक्र का निशान। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिस महिला के बाएं हाथ की हथेली पर चक्र का निशान बना होता है वह काफी शुभ रहता है। ऐसी महिलाएं नेतृत्व अच्छा करती हैं। साथ ही ऐसी महिलाओं में परिवार को जोड़े रखने की खूबी भी होती है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ऐसी महिलाएं आसानी से हर परेशानी का हल निकाल लेती हैं। हथेली पर ध्वज का निशान। किसी महिला के हाथ पर अगर ध्वज का निशान बना हो तो वह महिला अपने जीवन में उच्च पद हासिल करती है। समाज में उनका अधिक मान सम्मान होता है। यदि ऐसा निशान भाग्य रेखा के पास हो तो इसका अधिक प्रभाव होता है। हथेली पर मछली का निशान। हस्तरेखा शास्त्र में मछली के निशान को बहुत शुभ माना गया है। जिन महिलाओं की हथेली पर मछली का निशान होता है उनका वैवाहिक जीवन काफी सुख से बीतता है। ऐसी महिलाओं को अपने पति और ससुराल के सभी सदस्यों का भरपूर प्यार मिलता है।